दोस्तों गुड इवनिंग, हैव यू नाइस डे। मैं स्काई मार्शल कमांडो आर के दैया आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। कोविड 19 के बाद में जो युवा घबराए हुए थे, उनको ऐसा लग रहा था कि आर्मी की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी दूंगा। इसके बाद में आपके भाग्य डबल खुल जाएंगे। मैं आपको बताता हूं, इतनी वैकेंसी आएंगी आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन इसको मेरा वीडियो लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा। अभी एक नया ग्रुप खड़ा हो रहा है जिसका नाम है IBG, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। तो इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा, यानी आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले क्या होता था, जो इंडियन आर्मी थी उसकी जो युद्ध की रणनीति थी वो पहले क्या थी, हमारी देश की शुरू से ही ये आदत रही है, हमारा देश बिल्कुल एक सिद्धांत पे काम करता है। दुनिया के अंदर एक इंडिया ही एक ऐसा देश है जो अपने रूल के ऊपर काम करता और दुनिया को खतरे में नहीं डालता। पूरे देश मतलब एक ऐसा है जो पूरी दुनिया को खतरे में किसी भी कंडीशन के ऊपर नहीं डालता। तो सबसे पहले हमारी युद्ध की जो रणनीति थी वो ये थी, पहले हमारे ऊपर कोई वार करेगा उसके ऊपर हम क्या करेंगे, वापस उसके बाद में अटैक करेंगे। तो ये जो युद्ध की रणनीति थी इनके अंदर हमारे को क्या बिल्कुल भी सक्सेस नहीं मिला। जैसे 1962 हो गया, उसके बाद में 1967 हो गया, लेकिन उसके बाद में हमने एक नई युद्ध नीति अपनाई जो कोल्ड डॉक्ट्राइन बोलते हैं, जिसको कोल्ड स्टार स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर हमने क्या करना था, बिल्कुल एकदम साइलेंस तरीके से युद्ध करना था। जैसे पहले उड़ी हो गया और पुलवामा हो गया, इन दोनों के अंदर हमने वो किया। लेकिन इसके बाद भी अभी हमारे को क्या करना है, एक बिल्कुल नया तरीका अपनाना है, क्योंकि हम दुनिया को खतरे में किसी भी कंडीशन के अंदर नहीं डाल सकते। हमारे पड़ोसी देश हैं, उनके पास में परमाणु वेपन्स ऑलरेडी हैं, चाइना के पास में परमाणु है, पाकिस्तान के पास में परमाणु है, और ये हमेशा छोटी मोटी गतिविधियां करते रहते हैं। तो इन गतिविधियों के रोकने के लिए आई थिंक मेरे हिसाब से जो अभी जो पॉलिसी है वो बहुत बेटर है। तो अभी इन्होंने क्या किया, हमने एक IBG का निर्माण किया है जो COVID-19 की वजह से क्या डिले हो गया है। तो अभी ये पूरा परफेक्ट यदि लागू हो जाएगा तो COVID-19 के बाद में क्या होगा, वैकेंसी ज्यादा आएगी, तो आपको खुश होना चाहिए। तो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं IBG के अंदर क्या होगा, कम से कम 5000 सैनिक होंगे एक IBG के अंदर, और टोटल कम से कम आप ये लगा लो 12 से 15 IBG हो सकती हैं। तो अभी हमारे को क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने पहले ही आपको मैं बता देता हूं 2001 के अंदर संसद के अंदर हमला हुआ था, उस टाइम हम बुरी तरीके से चूक गए थे, हमने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देना था, लेकिन हमारे को 7 से लेकर 14 दिन तक पूरा मोबिलाइजेशन में टाइम लग गया। तो इतने टाइम के बाद में तो क्या युद्ध नहीं हो सकता ना। तो ऐसे कई चांस आए हैं जिनके अंदर हम क्या डिले हो जाते हैं, लेकिन अभी IBG क्या होगा, उसके अंदर पूरी फोर्सेज की पूरी पावर होगी, उसमें टैंक भी होंगे, इन्फेंट्री भी होगी, आरटी भी होगी, शायद मतलब सब चीजें एक बड़ा ग्रुप हो जाएगा। और उसको बिल्कुल जैसे मान लो कि अभी पंजाब का इलाका है, वहां पे नदियां ज्यादा है, तो उसमें उसी हिसाब से लड़ाई को क्या किया जाएगा, लड़ाकू तैयार किए जाएंगे। अभी जेएंडके में चला जाएंगे, वहां पे पहाड़ी इलाका है, तो उसके अंदर उसी हिसाब से जो IBG के जो ट्रूप्स होंगे उनको तैयार कर दिया जाएगा। अभी राजस्थान के साथ में बॉर्डर प्लेन लगता है, डेजर्ट है, तो उसमें उसी हिसाब से क्या कर दिए जाएंगे, IBG के ग्रुप्स हैं वो तैयार कर दिए जाएंगे। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे पूरे विश्व को फायदा होगा, हम बिल्कुल पूरे विश्व को खतरे में नहीं डालते, क्योंकि पाकिस्तान ये तो चाहते हैं, इनको तो कोई मतलब नहीं है, वो ये छोटी सी कोई भी बात होती है तो बोल देते हैं हम तो परमाणु अटैक कर देंगे। अरे परमाणु अटैक करना कोई हंसी खेल है यार। तो अभी ये छोटे मोटे जो हमारे साथ में छेड़खानी करते हैं, या मान लो हम देसी भाषा में बोले कुचल नहीं करते हैं, तो इसके लिए हमारा IBG का जो ग्रुप होगा वो उनके ऊपर जाके वापस क्या करेगा, उनको शांत कर देगा, और जो हमारे को नुकसान पहुंचाया है उसका बदला तो हमने लेना ही लेना है। तो इस प्रकार से आपको COVID-19 के अंदर आपको निराश होने की जरूरत नहीं, आप दिल से तैयारी करते रहो, वैकेंसी बहुत आएंगी। और मैं लास्ट में एक बात फिर कहना चाहूंगा, एज का आप लोगों को फायदा मिलना चाहिए, और एज का आपको फायदा जब भी मिलेगा, हमारा देश है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो जितना भी निर्णय लेते हैं वो लीडर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ अधिकारी उसको क्या करते हैं, एक आगे पास कर देते हैं, कोई भी प्रपोजल होता है उसको, तो सबको जैसे लोन के अंदर बंधु को छूट मिली है, उसके बाद में हर चीज की फैसिलिटी मिली है, जो किसान थे उनको जैसे डायरेक्ट अकाउंट के अंदर पैसे भेजे गए हैं, जो गरीब लोग थे बिल्कुल जो मजदूरी करते थे
उनको गवर्नमेंट की तरफ से राशन दिया गया है। इसी प्रकार जो हमारी युवा है जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जो फीस भर भर के तैयारी कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि साल के कम से कम 60-70 हजार रुपए खर्च करके एकेडमियों के अंदर तैयारी कर रहे हैं आर्मी के लिए और एक बेस्ट सोल्जर बन रहे हैं। इसलिए हमारे देश की जो आर्मी है वो आज के दिन नंबर वन पे है, मैं आपको बता दूं। तो उन युवाओं को भी छूट मिलेगी, लेकिन ये छूट कब मिलेगी? ये छूट जब मिलेगी जब ये प्रपोजल आगे जो अधिकारीगण है वो तो पास कर देंगे, लेकिन लीडर जो मान लो कि आपका रक्षा मंत्री तक जो ये बात जाएगी तब जाके ये क्या है वहां से प्रपोजल पास होगा और उसमें छूट मिल सकती है। तो ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे पहुंचाएं। अभी जैसे थोड़े दिन पहले एक नागौर भर्ती का मैंने वीडियो देखा, उसके अंदर लोग बाबू ने पेपर के अंदर भी देखा था, मैंने काफी विधायक और यहां तक कि हमारे सांसद हनुमान मेनवाल थे वो भी बोले थे कि भर्ती नागौर में ही करवाएंगे। तो इसी प्रकार से ये एक बात आगे पहुंचनी चाहिए कि जो युवा तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लो अप्रैल के अंदर राजदीप सेंटर के अंदर भर्ती थी तो उन युवाओं को एज में छूट मिलनी चाहिए। अभी वो राजदीप सेंटर में कब भर्ती होगी उससे क्या वो युवा ओवरेज हो जाएंगे। और नागौर के अंदर पिछले साल आई थिंक मई के अंदर वो जो भर्ती हो गई थी, तो अभी मई में जो कोविड-19 की वजह से भर्ती नहीं हुई है, ये वैकेंसी पता नहीं अब कब, मान लो कि अगस्त में आएगी या सितंबर में आएगी, ये तो चल रहा है वैकेंसी तो आएंगी श्योर है, लेकिन जो बच्चे ओरेंज हो जाएंगे उनके साथ में धोखा हो जाएगा। ये तो कन्फर्म है कि कोई भी बच्चा फर्स्ट टाइम पे सर्विस नहीं लग सकता, वो अपनी कमियां को दूर करते 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 लास्ट टाइम ओरेंज हो जाता है जब जाके भर्ती होता है। और ऐसे आप सबको बताया इस बात का, तो ये मेरा जो एक छोटा सा ये मैसेज है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आगे पहुंचे और उन युवाओं को बेनिफिट हो, फायदा हो जो एज आउट हो रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, जय हिंद और जय भारत।